पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता और उसके परिवार की हत्या कर दी गई। बंधु प्रकाश उनकी पत्नी और 6 साल के बेटे की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। ये तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। आपको ये भी बता दें कि क्रूरता से इस हत्या को अंजाम दिया गया। चाकू से गोद कर तीनों की हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। ममता के बंगाल में स्वयं सेवकों की बलि। खून से लाल ये है बंगाल। ममता के लोकतंत्र पर भारी लहूतंत्र। बंगाल में सियासत का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर आरएसएस कार्यकर्ता और उसके परिवार को निशाना बनाया गया। बंधु प्रकाश पाल और उसके परिवार की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई है। पुलिस को बंधु प्रकाश पाल, उनकी पत्नी और 6 साल के बच्चे का शव मिला है। तीनों को धारदार हथियारों से मारा गया है। इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस को आरएसएस कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल का बिस्तर पर जबकि बेटे का जमीन पर शव मिला। वहीं उनकी पत्नी का शव दूसरे कमरे में खून से लथपथ मिला। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी गर्भवती थी। बंधु प्रकाश पाल के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक आरएसएस के कई कार्यकर्ता सियासत की बलि चढ़ चुके हैं। बंगाल में पिछले कुछ सालों में संघ का विस्तार हुआ है। ऐसे में विरोधियों के निशाने पर लगातार संघ के कार्यकर्ता आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रावस्ती मेरे सहयोगी मुर्शिदाबाद से इस खबर पर जुड़ चुकी है। श्रावस्ती, सबसे पहले तो इस पूरे मामले से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे आप साझा करें। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, किस एंगल से इसको देखा जाए? श्रावंती, देखिए वरिष्ठ पुलिसकर्ता जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कुछ बात सामने रखी जिनके जांच हो रही है। पहले तो जिस टाइम पे ये तीनों की हत्या हुई उसके बाद जो आई विटनेस है उन्होंने बस एक ही आदमी को देखा जो भागते हुए रहे थे। अभी सवाल ये हो रहा है कि तीनों एक साथ इतने क्रूरता के साथ इन लोगों का खून हुआ है, कैसे एक आदमी ने इन तीनों का इस तरह के खून कर सकते हैं, ये सवाल सामने आ रहा है। जितने इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बंधु गोपाल के पास्ट कुछ रिलेशंस थे जहां पर उनके कुछ उधार हो रहे थे। इस उधार के वजह से उन्होंने उनका जो नई निवास है वहां पर चले आए थे, इसके एक कारण हो सकता है। और दूसरे एक हो सकता है कि इसके इनके फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में चल रही थी, और जिन्होंने खून किया है वो अच्छी तरह से इन परिवार को पहचानते और वो जानते थे कि घर में अभी कौन है कौन नहीं है। अभी सवाल यही है कि इतने क्रूरता क्यों, जहां पर एक 6 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जितने खबर हमको मिल चुकी है कि बंधु गोपाल का जो पत्नी थे वो प्रेग्नेंट थे, तो इतने क्रूरता क्यों है? अभी इनके जांच हो रही है। जितना कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बंधु गोपाल के जितने नए जो निवास थे उनके जो पड़ोसियों थे वो यही कह रहे थे कि वो सबके साथ मिलजुलते थे, सबके साथ हंसी मुलाकात भी करते थे। तो उनका जो बहुत कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनके तो कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी पुलिस जो देख रहे हैं कि क्यों ये खून हो रहा है, अभी जितना की जांच कर रही है और जितने लोगों के साथ बात कर रहे हैं पुलिस, उनमें से यही इन्फॉर्मेशन आए हैं कि उनके कुछ उधार हो रहे थे और इसके वजह से इतनी क्रूरता हो सकती है।
तो श्रावंती, हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच शुरू की है, अभी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या असल वजह रही है। लेकिन बहुत ही क्रूरता से इस पूरी जो हत्या की गई है तीनों लोगों की, उन्हें अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। आगे भी आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या आपसी लेन देन का मामला है या फिर पारिवारिक कलह है या फिर कुछ और, वो जांच के बाद ही साफ होगा। पुणे में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कल शाम को हुई तेज बारिश में गाड़ियां डूब गई, सड़कों पर पानी भर गया, एक बस पर पेड़ टूटकर गिर गया जिसमें बस ड्राइवर की मौत हो गई। बारिश से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। बारिश की वजह से 11 अक्टूबर को एमएनएस नेता राज ठाकरे की रैली को भी रद्द कर दिया गया था। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक पुणे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश ने एक बार फिर से किस तरह से महाराष्ट्र में कुछ इलाकों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। पुणे की ये तस्वीर इसकी बानगी है, जहां पर पेड़ टूटकर गिरे और इसमें एक बस ड्राइवर की भी मौत हुई है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़ बस पर गिर गया था। उसके बाद कई गाड़ियां थी जो तेज बारिश के चलते पानी में बहने भी लगी, कुछ गाड़ियां रास्ते में रुक गई जो लबालब पानी में डूब गई थी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुणे का हाल बारिश से किस तरह से बना हुआ है वो आप देखिए। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पुणे में रैली नहीं कर पा रही हैं। बीती रात मुंबई में बड़ा हादसा होते होते टल गया, हालांकि कबाड़ के गोदाम का काफी नुकसान भी हुआ है। मुंबई के मिलान सबवे के पास फ्लाईओवर के नीचे कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। बीती रात करीब 12:30 बजे लगी ये आग, पास के केके मैरिज हॉल में भी फैल गई। रात का वक्त होने की वजह से वहां पर कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने तत्काल घटना स्थल पर जाकर आग पर काबू पाया। आग की वजह से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। आग वो सब कचरा जमा करने वाले जो है उनका इलीगल गोडाउन, यानी उन्होंने सब पेपर्स वगैरह जमा करते हैं, उनका वो गोडाउन उधर था और बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से ये आग लगी है। तो एक तरफ बारिश ने मुंबई में लोगों का हाल बेहाल कर दिया था और अब मुंबई में महंगी हो रही सब्जियों से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद सब्जी खरीदने में मुंबई करों के पसीने छूट रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। न सिर्फ प्याज आम जनता को रुला रही है बल्कि अब टमाटर भी काफी महंगा हो गया है। इन दिनों मुंबई के सब्जी बाजार में जबरदस्त महंगाई देखने को मिल रही है। रिटेल और होलसेल दोनों जगह सब्जियां महंगी हो गई हैं। इन सबके पीछे बारिश के चलते फसल की तबाही बताई जा रही है और दाम है कि हर हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं। प्याज पहले 35 से 40 रुपए किलो था, लेकिन अब ये 60 रुपए किलो हो गया है। मटर पहले 60 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो हो गया है। टमाटर पहले 40 रुपए किलो था, अब ये 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। और अब बात करेंगे अयोध्या में हुए भरत मिलाप। दशहरे के बाद इस आयोजन का खास महत्व होता है और हर साल ये जो आयोजन है ये किया जाता है और ये परंपरा निभाई जाती है। आप देखिए इस रिपोर्ट। ये तस्वीरें राजा रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या की हैं। बीती शाम यहाँ पर राम दरबार की झांकी निकाली गई। दशहरे के बाद राम झांकी की परंपरा काफी पुरानी है और हर साल इसे लोग श्रद्धा के साथ निभाते हैं। इस झांकी का आयोजन शहर के ही एक दशहरा कमेटी ने किया था। शहर के कई इलाकों से गुजरने के बाद बात भरत मिलाप की आई। 14 वर्षों तक जंगल में रहने के बाद राजा राम जब अयोध्या पहुंचे थे तो भरत ने उनका स्वागत किया था। इसी दृश्य का मंचन हर साल भरत मिलाप कार्यक्रम में किया जाता है। मॉर्निंग से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे खबरें और भी।